भाइयों नमस्कार, स्वागत है YouTube चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज आए हैं गांव बजेड़ी जो पड़ता है जिला शामली में। देखो यहाँ किसान भाई ने मुर्गी फार्म का अपना एक व्यवसाय शुरू कराया। इन्होंने शुरुआत करी इस चीज़ की, देसी मुर्गों का पालन कर रहे हैं भाई। इनसे जानेंगे कौन सी वैरायटी पाल रहे, किस तरीके से इसका सेट बनाया। अरे देखो इस चीज़ का पालन कर रहे हैं। आज भाई साहब अपना परिचय दो थोड़ा। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं नितिन कुमार, गांव बजेड़ी जी। ये डबल एफ जी है जी, मुर्गी जी, मुर्गी मुर्गे हैं। अच्छा जी, इनका शुरू कराया व्यवसाय अभी 8 महीने तक। अच्छा जी, अपना खेती के साथ में एक अलग आमदनी का साधन हो जा। हाँ जी, बस कोशिश है, खेत में तो रहना ही है जी, साथ में मगर यू भी देखा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया हम भी देखा। नहीं सही कर, हाँ नहीं सही है। अच्छा ये कितने दिन से शुरू करा जी? ये 8 महीने हो लिए। अच्छा 8 महीने से शुरू करा, कितने बच्चे रख रहे हैं आप? हम तो आते रहे जाते रहे। अच्छा वैसे कितना की व्यवस्था है इसमें? इसमें 2-2 हजार बच्चे, 2-2 हजार बच्चे लोग का रह लेंगे। अच्छा जी, तो आते रहे बिकते रहे। अच्छा अच्छा, इसकी मार्केटिंग कहाँ है जी? मार्केटिंग इनकी देहरादून है, दिल्ली है, सप्लाई है तो दुकानों पर सप्लाई हो जाओ। अच्छा खुद आवे लेन। अच्छा ठीक, प्रॉफिट बन रहा अभी? हाँ खर्चा पानी ठीक निकल जा। अच्छा जी, तो ये सेट बनाया जैसा आपने, इसमें इसमें कितना खर्चा आ गया जी लगभग? इसमें 2-2.5 लाख के बीच में लग गए। अच्छा कितनी जगह में बन रहा है ये? जगह तो हमने ज्यादा घेर रखी, बिघा के करीब जगह हमने घेर दी। अच्छा इसमें कुछ खाली पड़ी बार? हाँ इसमें तो जगह थोड़ी है साइड में तो। अच्छा अच्छा, आओ दिखाइए, देखे कौन कौन सी वैरायटी है। अच्छा ये कुछ बड़े भी हैं और बच्चे भी हैं? हाँ बड़े हैं बच्चे हैं। अच्छा जी, ये काले वाली कौन सी वैरायटी है जी? ये डबल एफ जी है, सब रंग बिरंगे है ना, कलर देसी में तो रंग बिरंगी हो। अच्छा एक कलर तो होता है ना। अच्छा जी, अच्छा और वो पर जो बना रखा है वो छोटे बच्चों के लिए है, छोटे बच्चे उसमें ला के छोड़ दें। अच्छा फिर इधर खुले फार्म में छोड़ दें। अच्छा जी, और इसकी मतलब खाने का क्या डाइट रह जा? फीड ला रहे हम तो वैसे, बरसी पालक सब्जी गड़ी सड़ी कुछ भी डाल लो वही खा जाए तो। अच्छा और कितने दिन में तैयार हो जाए ये? 2 महीने का टाइम ले लें। अच्छा 2 किलो का होने में। अच्छा आपने फार्म ही ना चुन के ये देसी फार्म चुना? हाँ जी। इसकी मांग कुछ अच्छी है? इसकी मांग है ठीक है। अच्छा। कुछ अलग करेंगे जब भी कुछ अलग पाओगे। अच्छा अच्छा, हाँ फार्म वाला तो सभी कर रहे हैं। हाँ फार्म ही तो सभी कर रहे हैं जी। एक तो सेट तैयार हो जाओ, जिसमें प्रॉफिट लगे वो कर लो, फार्मी में लगे फार्मी कर लो, देसी है देसी में कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसकी ट्रेनिंग ली कहीं, आइडिया कैसा आया, कुछ थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करी? हाँ थोड़ी घनी जानकारी तो हासिल करी थी जी, घूम फिर के फार्मों पे जी, बाकी ट्रेनिंग तो ली नहीं, खुद ही कर रहे। अच्छा जी, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा बढ़ा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसकी साफ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता होगा जी? हाँ 10-15 दिन में इसमें झाड़ू लगवा दें, साफ सफाई करवा दें। अच्छा जी, अभी तो बदबू कम है यहाँ पे। हाँ बदबू आने रही नहीं है, तो बदबू जो है आसपास में भी निकलते है आवे। हाँ बदबू थोड़ी सी वजह से कम है, साफ सफाई तो सभी चीज में जरूरी है। बिल्कुल, तो माल आपका यहीं से सप्लाई हो जा कैसे? हमारा तो यहीं से ही सप्लाई हो रहा फिलहाल तो। अच्छा एक तरीके से डीलर लेकर चले जाओ? डीलर लेकर चले जाओ। अच्छा जी, और अगर यहाँ मान लिया बेचे तो यहाँ क्या भाव बिक जा रही है आपका? रेट तो ऊपर नीचे होते रहे, सब बाजार के ऊपर बात है। अच्छा जी जी, तो देखो जी नितिन भाई ने ये प्रयास कराया अलग हटके, खेती के साथ साथ एक रोजगार का साधन बनाया अपना, इसे दूसरे किसान भाई भी कर सके अपने खेत पे। जगह तो अपनी हो गई है और मुर्गी पालन का व्यवसाय देसी का कराया इन्होंने और बहुत अच्छी आमदनी ले रहे। ये दिखा दिया जी मैंने इनका फार्म, तो किसान भाइयों
वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। लाइक और सब्सक्राइब करना। नमस्कार।